नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज लगातार कवरेज, उत्तराखंड की महाकवरेज लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, सूची दोनों तरफ से जारी हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के रणबांकुर रण में उतर चुके हैं, लेकिन इनके साथ साथ वो भी रण में है जिन्होंने हर बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चकाया। मैं बात निर्दलियों की कर रहा हूं, जीत ना सके तो हराने का मादा रखते हैं। जब अपने बेगाने हो जाते हैं और बागी हो जाते हैं तो अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत का सबब ही बनते हैं। आपको आज हम कर्णप्रयाग ले चलते हैं, जहां पर कर्णप्रयाग में भी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के घर में बगावत है और अपने नाराज हो गए हैं, ताल ठोक रहे हैं। किस तरह से इस चुनौती से निपटेंगे बीजेपी और कांग्रेस, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सीधा रुख करेंगे इस वक्त। आपको बता दें, हमारे साथ टीका प्रसाद मैकुरी जी जुड़े हुए हैं, जो कि मैकुरी जी, आपको बता दें कि कभी बीजेपी के दावेदारों में से एक थे, इस सीट पर ताल ठोक रहे थे। इन्हें उम्मीद थी कि पार्टी इन्हें टिकट का प्रसाद जरूर देगी, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिला। टीका प्रसाद मैकुरी जी इस वक्त हमारे साथ लाइव हो चुके हैं। मैकुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आज तो कर्णप्रयाग की सियासी जमीन से हम इस वक्त आपको लाइव कर रहे हैं और सियासी कोहरा भी छट गया है, लेकिन कर्णप्रयाग का क्या हाल है? अनिल नोटियाल जी को बीजेपी ने टिकट दिया, आपकी प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से पार्टी ने अपना टिकट दे दिया है और वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट है। और मैंने जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 25 तारीख को नामांकन किया है, ये जनता का टिकट है और जनता इस बार मुझे विधानसभा में भेजी। मैकुरी जी, एक बात आपसे जानना चाह रहे थे। आपने बहुत लंबे अरसे से मेहनत की ग्राउंड पर, बीजेपी ने आपको ये उम्मीद भी थी कि पार्टी आपको टिकट देगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपकी टिकट कट गई? मैकुरी जी, क्या हुआ ऐसा? मैं समझ सकता हूं कि लास्ट टाइम तक भी यही था कि मैं पहले नंबर पे हूँ और मेरी सर्वे रिपोर्ट सारे पक्षों में नंबर एक की थी। उसके बावजूद भी मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं बहुत निराश हुआ। मेरे सभी कार्यकर्ता, मेरी सारी जनता, कर्णप्रयाग की महान और देवतुल्य जनता, वो बहुत नाराज हुई और उन्होंने मुझे कहा कि आप हौसला रखिए, हम आपके साथ। लेकिन मैकुरी जी, ऐसा क्या हुआ कि आपका टिकट कट गया? आपको क्या लगता है, कोई तो वजह रही होगी ना? ये आपने तो पार्टी मेहनत की, इतना सब कुछ किया कर्णप्रयाग में। मेरी मैंने जो पार्टी के लिए इतना लंबा समय दिया है, पूरा काम किया है। घर घर मैं कम से कम एक घर में दो दो तीन तीन बार जा चुका हूं और लोगों के बहुत सारे काम किए उनके। आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल में जो जिन लोगों को टिकट मिला ये बिस्तर में थे, लेकिन मैं लोगों के बीच में था, लगातार लोगों के बीच में था, उनके दुख दर्द में लोगों के बीच में था। जो लोग प्रवासी थे उनको सहयोग किया, उनको स्वरोजगार के ओर प्रेरित किया और सरकार की तरफ से भी जो भी योजनाएं थी उनमें उनको सहायता दी। लेकिन यदि मेरे नेतृत्व ने मेरे को इस लायक नहीं समझा होगा तो इसीलिए मुझे टिकट नहीं दिया होगा। नहीं, मैं जानता हूं आपको पीड़ा और टीस तो हुई होगी क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया। लेकिन मैकुरी जी, एक बात आपसे जानना चाह रहा था कि आपको बीजेपी नेताओं ने मनाया तो होगा ना कि टीका प्रसाद जी मत लड़िए चुनाव, अभी रुक नहीं, आप जाइए, तो किसी ने मनाया? देखिए 2012 में जब कर्णप्रयाग के अंदर टिकट दिया गया तो उस समय भी मैंने पार्टी के नेतृत्व ने जो जो भी निर्णय लिया था मैंने उसको स्वीकार किया। 2017 के लिए मेरी पूरी तैयारी थी। 2012 में जिन लोगों ने बागी के रूप में चुनाव लड़ा वो लोग पार्टी से बाहर हो चुके थे। तो पार्टी में नेतृत्व कर्णप्रयाग विधानसभा के अंदर केवल मात्र टीका प्रसाद मैखुरी थे जिन्होंने पूरी विधानसभा में संगठन से लेकर ऊपर तक पार्टी को मजबूत करने का काम किया और इस अभिलाषा के साथ कि 2017 में तो मेरा टिकट हो जाएगा। लेकिन 2017 में जब मेरा टिकट कटा तो मैंने मेरे को जो मेरी जनता थी, मेरे कार्यकर्ता थे, मेरे सहयोगी थे, उन्होंने कहा कि भाई आपको फिर भी चुनाव लड़ना है। मैंने चुनाव के लिए हामी भरी और मैं चुनाव के लिए तैयार हो गया था, लेकिन पार्टी ने मुझे मनाया। हमारे राज्यसभा के सांसद और अभी जो मीडिया के प्रमुख हैं भाई अनिल बलूनी जी मेरे पास आए, रामलाल जी से बात कराई, कहा कि सरकार बनेगी तो आपको सरकार में कुछ दायित्व तो दिया जाएगा, आदर सम्मान किया जाएगा और आने वाले जो 2022 में है आपके लिए कोई कमी पार्टी नहीं छोड़ेगी। इस प्रकार का मैंने कहा चलो भाई मैंने इस विचारधारा के लिए काम किया है, ये मेरी विचारधारा है, हिंदुत्व की मेरी विचारधारा है, राष्ट्रवादी हूँ और अटल जी और मोदी जी का प्रशंसक हूँ,
मैंने यही सोच करके कि भैया इनके सम्मान में कहीं पर आंच ना आए, तो मैंने अपने को पीछे किया और जनता को नाराज किया जो कि मेरे पे मैखरी आज जी, भी बोलती है। जी मैखरी जी, आपको नहीं लगता कि आपके उतरने से बीजेपी को नुकसान होगा? अनिल नोटियाल को हरा देंगे आप? देखिए, चुनाव टीका प्रसाद मैखुरी जी कहेंगे कर्णप्रयाग विधानसभा। आप अनिल 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 जी को हरा देंगे, अनिल नोटियाल जी को? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं किसको हराऊंगा किसको जिताऊंगा, आप समझ सकते हैं जब मैं जीत जाऊंगा तो कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो आप भी समझ सकते हैं। जनता जब मेरे साथ है, जनता का समर्थन मेरे साथ है, तो निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतूंगा। लेकिन वहां से दूसरी तरफ मुकेश नेगी भी तो चुनाव में है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि कोई नहीं है, सब हैं। मैंने अनिल नोटियाल जी या मुकेश नेगी की तो बात ही नहीं की, मैं तो जनता के समर्थन पर चुनाव लड़ रहा हूँ। अब एक बात, वोटों टीका के प्रसाद बाद मैखरी मैं जी, हमने देखा उत्तराखंड में कई बार ऐसा हुआ कि निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ही की बद्रीनाथ सीट का जिक्र करूं तो राजेंद्र भंडारी भी निर्दलीय चुनाव में ताल ठोके थे और वो भी चुनाव जीते और मंत्री भी बने। मैं आपकी काबिलियत और क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी को छोड़कर आपके साथ लोग क्यों आएंगे मैखरी जी? कोई तो वजह होगी ना। ये तो आपको लोगों से पूछना चाहिए। आप आइए यहाँ पे, जनता से पूछिए, मैं आपको बता सकता हूँ, जनता आपको बता देगी कि क्यों दे रहे कहीं हम। ऐसा जब तो नहीं है कि जब आपने भी बीजेपी के लिए मेहनत की और अनिल नोटियाल जी ने भी बीजेपी के लिए मेहनत की, तो इससे आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं अनिल नोटियाल चुनाव हार जाएंगे। ये भी तो इसका होगा कि जवाब आप इसका जवाब 14 10 मार्च को जनता सबके सामने रखेगी। देखिए, आपको दुख हुआ कि बीजेपी ने आपको मौका नहीं दिया? मेरे मेरे को ही निराश नहीं किया, पूरी कर्णप्रयाग विधानसभा की जनता को निराश किया। जिन लोगों ने पार्टी के साथ ईमानदारी से काम किया उनको निराश किया, और जिन लोगों ने पार्टी के साथ बगावत की पार्टी ने उनको ताज पहनाया। किन्होंने बगावत की? टीकाराम जी, बगावत किन्होंने की? आपको पता है 2012 में बगावत हुई थी पार्टी में। जी मुझे एक बात बताइए टीकाराम जी, क्योंकि मैं जिक्र कर रहा था 2012, आपने इतनी वफादारी के साथ इतनी मेहनत की, अगर मैं सही हूं तो हाल ही में आपका भावुक होते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ था, मैं सही हूं तो? जी, आपको इस बात की टीस तो होती होगी ना कि पार्टी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब मैं पार्टी के साथ इतना जुड़ा रहा, इतना लगाव रहा, इतनी मेहनत की, पार्टी ने किसी किसी ने तो आपको भरोसा दिया होगा ना कि टीकाराम जी आप चिंता मत करिए, इस बार टिकट आप ही का होगा, किसी ने तो भरोसा दिया होगा। आज के समय में अच्छे लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत लोगों की। और आपको पता है कि जो आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता है, जो कुछ करने वाला व्यक्ति होता है, जो लोगों की पसंद होता है, कहीं ना कहीं जो जो उसके माने उस प्रकार के लोग होते हैं उसकी टांग खिंचाई का काम करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें हुई होगी नेतृत्व के पास, किसी ने कुछ बात हुई होगी आप नेतृत्व के किसी पास। ने तो भरोसा दिया होगा ना कि आप चिंता मत करिए आपको टिकट मिलेगा, कौन था वो नेता? अब देखिए, इस बात को छोड़ दीजिए, मेरे जो संगठन के सर्वोपरि थे उन लोगों ने कहा कि आपकी जो सर्वे रिपोर्ट है वो सारे फॉर्मेट में आप नंबर एक पे हैं, और मेरे शीर्षस्थ नेतृत्व ने कहा। उसके बावजूद भाई, हम यही तो आशा रख सकते हैं कि जब ये कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हमारी जो पार्टी है उसने भी सर्वे कराई थी, कहा था कि भाई सर्वे में जिनकी अच्छी रिपोर्ट आएगी उनको टिकट दिया जाएगा। हमको उम्मीद थी टीकाराम, कि भैया मैंने ईमानदारी से काम किया क्या है तो मुझे टिकट मिलेगा। जनता को भी यही थी था। इस वक्त कर्णप्रयाग की जनता आपको लाइव देख रही है, कोई अपील करना जी, चाहेंगे कर्णप्रयाग की जनता से? क्योंकि मैं कह रहा हूं, मैं मैंने देखा वो कर्णप्रयाग वीडियो जिसमें की आप भावुक हो गए थे, कोई अपील करना चाहेंगे निश्चित कर्णप्रयाग की जनता को? मैं कर्णप्रयाग की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं कि जो भी आज तक मेरी इस कर्णप्रयाग की विधानसभा में प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि के रूप में आए होंगे, आपने उनकी कार्यशैली को देखा है। हमारे जो आज जिनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है उनको भी आपने पिछले 10 साल में देखा है उनकी कार्यशैली किस प्रकार की है। काम देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा ये कर्णप्रयाग जो ऐतिहासिक क्षेत्र है, यहाँ पर हमारी राजधानी के रूप में ये विकसित हो रहा है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की आवश्यकता है, राजधानी को स्थापित करने की आवश्यकता है। आज हमारे किसान और जो भी किसान भाई हैं छोटे मझले,
उनके यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, स्वरोजगार का काम करते हैं, उनके यहाँ बंदर और सुअरों की समस्या है, इसको विधानसभा में उठाने की आवश्यकता है, इसमें नीति बनाने की आवश्यकता है। और जो हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ी समस्या है वो है स्वास्थ्य की, और स्वास्थ्य को भी ठीक करना है, इस विधानसभा को आदर्श बनाना है, इसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। टीका प्रसाद मैखरी इन सब विषयों पर लगातार संघर्ष करता रहा है, चाहे मेरी सरकार भी रही होगी। मैंने भी लगातार मेडिकल कॉलेज के लिए बात की, मैंने कहा पौड़ी के अंदर जब दो मेडिकल कॉलेज हो सकता है, चमोली दूरस्थ क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, यहाँ क्या मेडिकल कॉलेज नहीं हो सकता है? यहाँ भी हमको मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। आपने आपने कर्णप्रयाग की जनता से तो अपील की, आप बीजेपी नेताओं को कोई संदेश देना चाहते हैं? बीजेपी के नेताओं को संदेश मैं कुछ नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि वो शीर्ष नेतृत्व वो सब जानता है और उनको बहुत ज्ञान है, उनको पता है, उन्होंने हेवी वेट कैंडिडेट यहाँ पर दिए हैं, इसलिए मैं उनसे कोई अपील नहीं करना चाहता। आपको अफसोस है, दुख है कि आपको टिकट नहीं मिला? देखिए दुख मैं बार बार क्या कहूँ, दुख दुख है, इसलिए मैं तो मजबूर हूँ कि मैंने इस विचारधारा को छोड़ा है, जो मेरे मन के अंदर की विचारधारा थी। 1980 से मैं आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूँ, और उसके बावजूद विद्यार्थी परिषद के बाद भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, राज्य का आंदोलनकारी रहा हूँ, और उसके बावजूद भी यदि पार्टी ने मेरे पे विचार नहीं किया, मेरे सीधेपन का, मेरे सरलता का, यदि मेरे का, मेरे प्रति, आप भावुक क्यों हुए थे? देखिए भाई, जनता का जो मेरे को प्यार मिल रहा है, मेरे साथ जो पार्टी ने अन्याय किया है, उसका ही तो कहीं ना कहीं कारण रहा होगा, और क्यों हुआ होगा बताइए आप। टीका प्रसाद मैकुरी जी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पे आपने वक्त दिया, आपने अपनी बात को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ टीका प्रसाद मैकुरी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी, कर्णप्रयाग से इस वक्त लाइव थे, जो कि बीजेपी के चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ ही रण में ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि नुकसान बीजेपी और कांग्रेस दोनों को होगा, क्योंकि मैं अकेले दम पर चुनाव जीत कर दिखाऊंगा। अब बीजेपी को यह नुकसान की भरपाई वो कैसे कर पाएगी, ये अपने आप में ही सवाल है, लेकिन कर्णप्रयाग ही नहीं बल्कि तमाम सीटों पर बगावत का बिगुल बजा हुआ है। लगातार नॉनस्टॉप ऐसे ही चेहरों को न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपके बीच में लेकर आ रहा है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के घर में सियासी कोहरा मचा हुआ है। लगातार ये महाकवरेज हमारी जारी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।